यमी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए हमारी आगे आने वाली सभी रेसिपीज़ की जानकारी के लिए। फ्रेंड्स, यमी फूड किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने किचन में बनाएंगे पनीर ब्रेड पकौड़ा, क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा है और ऐसे में सभी परिवार वालों की डिमांड होती है पकौड़े खाने की। तो उसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज हम बनाएंगे पनीर ब्रेड पकौड़ा। उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और उसमें बेसन डाल दिया। अब हम उसमें नमक डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे। पनीर बगैर पकौड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारे पकौड़ों को बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनाता है। हमने इसमें मीठे सोडे का यूज़ नहीं किया। अब हम पानी डाल देंगे और इसका एक बैटर बनाएंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक साथ नहीं डालना वरना लम्स पड़ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा ये बैटर बन चुका है। इसी कंसिस्टेंसी का हमें बैटर बनाना है। मैंने ये ब्रेड ली है, मैंने वाइट ब्रेड ली है, आप चाहें तो आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। एक ब्रेड पर हम टमाटो सॉस लगाएंगे। दूसरी ब्रेड के ऊपर हम ग्रीन चटनी लगाएंगे। ये ग्रीन वही चटनी है जो हम सैंडविच के लिए बनाते हैं। हमारे ये ब्रेड पकौड़ा थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा स्वीट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। चटनी लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर पनीर के पीस रखेंगे। मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड करूँगी, इसीलिए मैंने दो टुकड़ों में डाला है। आप चाहें तो पूरा एक स्लैब भी रख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर नमक स्प्रिंकल करेंगे, लाल मिर्च स्प्रिंकल करेंगे, चाट मसाला डालेंगे। अब हम दूसरी ब्रेड के साथ इसको कवर कर देंगे और बीच में से दो पीसेस कट कर लेंगे। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें हम अपने पनीर ब्रेड पकौड़े को फ्राई करेंगे। कट करने के बाद एक पीस मैंने ले लिया है और इसे अच्छे से बेसन की बैटर में डिप करेंगे। इसे हमें अच्छे से डिप करना है ताकि पूरा कवर हो जाए। और अब हम इसे ऑयल में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही करना है। हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। एक तरफ से पूरी तरह से जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तभी हम इसको पलटेंगे। अब हम एक चम्मच की सहायता से थोड़ा गर्म ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे ताकि ऊपरी हिस्सा भी थोड़ा सिक जाए। एक तरफ से थोड़ा सीखने के बाद अब हम इसे पलट देंगे। आप देख सकते हैं एक तरफ से पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। पहले वाला पकौड़ा जब थोड़ा सीख जाए तब हम दूसरा पकौड़ा भी डाल देंगे और इसे अच्छे से बेसन से कोट करेंगे। इसके ऊपर भी हम गरम ऑयल डालेंगे। हमें ये काम थोड़ा ध्यान से करना है। आप देख सकते हैं हमारे पनीर ब्रेड पकौड़ा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारा दूसरा पकौड़ा भी
ब्राउन हो चुका है, अभी इसे भी निकाल लेंगे। इसी तरह हम अपने सभी ब्रेड पनीर ब्रेड पकौड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारी सभी पनीर ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार है। हमारी ये टेस्टी टेस्टी लाजवाब पनीर ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार है। आप हमारी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।